एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के ग्लो सीरम फाउंडेशन का रिव्यू। ये काफी ज्यादा अभी वायरल हुआ है प्रोडक्ट एंड मैंने सोचा मैं भी इसको ट्राई करने वाली हूँ। सो मेरे पास इसके 3 शेड मुझे रिसीव हुए हैं एंड उसमें से जो मैंने शेड अप्लाई किया है वो है 04, जो कि मेरे स्किन से एकदम मैच कर रहा है। एंड आज मैंने यही फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड आज मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ एंड ये एक्चुअली में इतना अच्छा वर्क कर रहा है या नहीं। सो सबसे फर्स्ट बात आती है मामा अर्थ ब्रांड पे। तो मामा अर्थ इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, इंडियन ब्रांड है एंड एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। साथ ही साथ इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स इंग्रीडियंट्स इसके अंदर एडिड है। साथ में आपको इसका मामा अर्थ पे शॉपिंग करने का कोड भी मिल जाएगा जो कि है मेरा JHA2022 एंड ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट या फिर ऐप से शॉपिंग करेंगे। आपको मामा अर्थ Amazon और Nykaa Purple इन सब पे भी मिल जाता है बट यहाँ पे कूपन कोड नहीं यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप। एंड साथ ही साथ प्लास्टिक पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया है ये ब्रांड जितना प्लास्टिक यूज करता है, लाइक इतना प्लास्टिक इसमें अगर यूज हुआ है तो इसका डबल ये रिसाइकिल करते हैं एंड नाउ दे रिसाइकिल ओवर 240 एमटी प्लास्टिक एवरी मंथ। 1 MT इज इक्वल्स टू 1000 kg। तो यू कैन कैलकुलेट कि कितना ज्यादा लाइक क्वांटिटी में प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है इनके थ्रू। एंड या अब बात आती है फाउंडेशन पे। तो ये मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन विटामिन सी के साथ है एंड दिस प्रोडक्ट इज मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट। साथ में ये जो प्रोडक्ट है ये एक ग्लो देने का काम करता है आपके स्किन में। साथ ही साथ आपके जो आप कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं तो थोड़ा केकी, थोड़ा पैची, थोड़ा ड्राई आपकी स्किन हो जाती है, बट जैसे कि मेरी स्किन इस टाइम पे बहुत ड्राई एंड फ्लेकी हो रही है, मेरे बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस हो रही है तो स्किन भी काफ़ी फ्लेकी हो रही थी। तो ये जो मैंने यूज़ किया आई वॉज शॉक्ड कि मेरी स्किन बिल्कुल भी फ्लेकी नहीं हो पा रही थी। जैसे कि अगर मैं और भी कोई फाउंडेशन अप्लाई करती थी तो वैसे ड्राई ड्राई एंड वाइट वाइट पैचेस में दिखता था, बट इस सीरम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से स्किन में ये ग्लाइड हो गया लाइक अ सीरम और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूद एंड लाइक बहुत क्रीमी जैसा है, बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा था स्किन पे। तो आप इसको ना डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी फाउंडेशन डेली नहीं यूज़ कर सकते बट इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं है, केमिकल नहीं है। तो आप इसको डेली, आप इस प्रोडक्ट को भी अपने स्किन में अप्लाई कर सकते हैं डेली। एंड जब भी ये फाउंडेशन अप्लाई करो ना तो ये जो फाउंडेशन है दिस विल गिव यू 2 ग्लो फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। आपके स्किन में 12 आवर्स तक ये ग्लो प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ इसमें स्किन ग्लोइंग प्रॉपर्टीज हैं। लेट मी टेल यू इसके इंग्रेडिएंट्स, की इंग्रेडिएंट्स जो है वो दोनों हैं इसके विटामिन सी एंड टर्मरिक। विटामिन सी हेल्प्स टू ब्राइटन द स्किन एंड टर्मरिक प्रोवाइड्स एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि टर्मरिक में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं तो वो आपके स्किन को एक काफी अच्छा ब्राइटर लुक देता है लाइक विटामिन सी एंड एक नेचुरल ग्लो देने में हेल्प करता है टर्मरिक। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है और साथ में जब इसे अप्लाई करते हैं तो काफी अच्छा खासा कवरेज आपको मिल जाता है। जैसे कि मेरे स्किन पे काफी सारे स्पॉट्स थे, बर्न वाले स्पॉट्स, वो काफी ज्यादा लाइक कवर हो गए हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी थी कि इसने काफी अच्छा कवरेज दिया। डेली बेसिस में भी आप इसको यूज करेंगे तो आपके स्किन में जो स्पॉट्स एंड जो एक्ने मार्क्स एंड ऑल, जो एक्ने मार्क्स वगैरह हैं वो सब काफ़ी हद तक ये कवर कर देगा। साथ में दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट, तो अगेन बहुत अच्छा है। ये हर एक स्किन टाइप वाले, ड्राई, ऑयली, नॉर्मल सब यूज कर सकते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला था ना, वो जैसे मैंने यूज भी किया, काफ़ी लाइट वेटेड था, एकदम हल्का हल्का स्किन, जैसे कि लगता है ना एकदम हल्का सा लग रहा था, बहुत लाइट वेटेड था, सा हैवी नहीं लग रहा था स्किन पे बिल्कुल। एंड इसमें आपको 7 शेड्स मिल जाएंगे, इंडियन शेड्स, क्योंकि इंडियन में आपको बहुत फेयर स्किन वाली गर्ल्स भी होती हैं, देन मीडियम भी होती हैं एंड डार्क भी होती हैं, डस्की भी। तो 7 के 7 शेड्स में, जैसे मेरा मीडियम स्किन है तो मैंने लिया है 04। लाइक व्हीटिश स्किन वाले ले सकते हैं 04, आपके स्किन में काफी अच्छा सूट करेगा। सो मेरे हिसाब से तो मैं इसको थम्स अप दूंगी। एवरी डे, कॉलेज, ऑफिस या घर पे भी आप अगर मेकअप प्रेफर करते हैं तो आप अपने स्किन केयर के बाद इस फाउंडेशन को यूज करें। ये आपको ग्लो के साथ एक अच्छा खासा कवरेज भी देगा, थोड़ा सा मेकअप लुक भी देगा एंड आपको टर्मरिक एंड विटामिन सी की भी जो प्रॉपर्टीज है वो भी मिलेंगी आपके स्किन में। तो आप इसको अपने फेस, नेक,
पे यूज कर सकते हैं एंड पैकेजिंग काफी अच्छी स्टर्डी पैकेजिंग है इसकी, लाइक ग्लास पैकेजिंग में एंड ये पंप में आता है. सो डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, मेरा कोड भी मैंने आपको दे दिया है JAR2022. तो आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट 20% ऑन मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप. तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, कोड्स मिल जाएंगे. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी और रिव्यू पसंद आया हो इसका, देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू, बाय.